हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेस में अवेलेबल है असेंशन टू गोडो नाम से, और प्लेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग बोलते हैं बर्जा क्यूरियस हूं, तुम्हारा जो सोल है वो बैटल सोल स्टेट से बर्जा पीछे, पर तुम मेरे सोल ऑपरेशन को कैसे विस्टैंड कर पा रहे हो, तुम्हारे पास पक्का कोई ट्रेजर होगा। फिर सोच रहा होता है कि मैं लकी हूं कि मेरे पास नेकलेस है वो जो कि 60% सोल अटैक को रोक ले रहा है, वरना मैं भी क्रश हो जाता। पर वो एक फीमेल स्टाइल एक्सेसरीज बने वो सीक्रेटली नहीं हुई है। चैप्टर नंबर 207 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलते हैं ठीक है, मेरे को सिर्फ क्लोज आना है तुम्हारे। लुजंग जैसे जैसे पास आ रहा होता है, जो सोल प्रेशर होता है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जा रहा होता है। लुजंग बोलते हैं मैं क्यूरियस हूँ कि तुम कितना ज्यादा ले सकते हो। प्रिंस के ऊपर बड़ा गंदा प्रेशर पड़ रहा होता है। लुजंग फिर और पास आता है। प्रिंस की जो आईज में वेन्स होती है वो भी दिखने लग पड़ती है, और जो उसके दांत होते हैं वो क्रश हो रहे होते हैं। प्रिंस अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। लुजंग बोलता है ओए ओए शांत हो जाओ, मैंने सुना है कि जो तुम्हारे पास डिवाइन थंडर पोल आर्म है वो सिर्फ एक वन टाइम यूज आइटम है, और ये एक हाफ रैलिक है जिसकी कीमत बड़ी ज्यादा है। ये एक लाइफ सेवर नहीं जो तुम्हारे फादर ने तुम्हें दिया हुआ है। ये छोटा सा पोल आर्म ये 3 लाख से 4 लाख हाई ग्रेड एनर्जी स्टोन्स कोस्ट करता है ना। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम 9000 हाई ग्रेड जेन एनर्जी स्टोन्स को वापस कर दो हुजान के। तुम एक क्राउन प्रिंस और तुम्हें मैथ भी नहीं आता। क्राउन प्रिंस बोलता है इतना भी ज्यादा बिग सम नहीं है, पर जो मेरी रॉयल फैमिली की डिग्निटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेता है और उसके वेपन को थंडर कवर कर रही होती है। प्रिंस बोलते हैं ल्यूटानजिंग ये कोई मजाक नहीं है, हमें नहीं चाहिए जेन एनर्जी स्टोन्स, चलो हम वापस चल जाते हैं। लुजंग बोलते हैं ठीक है, थोड़ा सा पीछे हो जाओ तुम एक सेफ डिस्टेंस पे। प्रिंसेस हैरान होती है, लुजंग सामने खड़ा होता है क्राउन प्रिंस के। क्राउन प्रिंस सोच रहा होता है मेरे को सिर्फ एक रेड रून के ऊपर टच करना है अपनी फिंगर से, ताकि ये जो पोल आर्म है ये एक थंडर को शूट कर सके। क्या मैं कर दूं ऐसा? ल्यूटानजिंग इतना भी ज्यादा आसानी से डील नहीं हो सकता है। अगर मैं इसे मार दूंगा तो फादर मुझे पक्का ही प्रेज करेंगे, और ये वर्थ होगा सैक्रिफाइस करना डिवाइन थंडर पोल आर्म को। फिर उसका जो इनर डीमन होता है वो जाग जाता है, वो उसे ऑर्डर कर रहा होता है कि इसे मार दो। फिर वो अटैक कर ही देता है, वो बोलता है कि मर जा गंदे पीजेंट। वो फिर उस बटन को दबा देता है और थंडर उसकी तरफ जा रही होती है लुजंग की तरफ। जैसे थंडर लुजंग की तरफ आ रही होती है, लुजंग उसकी लोकेशन को चेंज कर देता है, और वो जो थंडर होती है वो सी के अराउंड मूव कर रही होती है। जो स्मोक क्लाउड्स घेर रहे होते हैं लुजंग को, फिर लुजंग बाहर आ जाता है। लुजंग बिल्कुल ठीक होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि डिवाइन थंडर पोल आर्म भी यूजलेस है ल्यूटानजिंग के अगेंस्ट में, अब तो इसे कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। एक बोल रहा था ये तो लिटिल मॉन्स्टर की एबिलिटी है, पर वो इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था यूज करने के लिए इस चीज को जितना कि ल्यूटानजिंग यूज कर रहा है। लुजंग आगे की तरफ आ रहा होता है और जो प्रेशर होता है वो फिर इंक्रीज हो रहा होता है। क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, मेरे फादर पक्का तुम्हें मार देंगे, तुम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हो। ल्यूटानजिंग आगे मूव कर रहा होता है और बोलता है कि मैं वेल डिनाई नहीं करता उस चीज को। क्राउन प्रिंस बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम ग्राउंड पे क्यों नहीं गिर रहे और भीख मांग रहे हो, मेरे से सॉरी बोल रहे हो, और मैं फादर को बोल सकता हूँ, वो तुम्हारी बेकार सी लाइफ को छोड़ सकता है। फिर वो हंस रहा होता है पागलों की तरह। लुजंग बोलता है तुम्हारे पास वैसी अथॉरिटी नहीं है। लुजंग फिर आगे और मूव करता है और जो ट्रेजर होता है क्राउन प्रिंस का वो टूट जाता है। क्राउन प्रिंस बोलते हैं नहीं, जो सोल गैदरिंग जेम है वो टूट गया, और वो फिर वहीं पे भी होश हो जाता है। जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो हैरान होते हैं। लुजंग बोलते हैं कि सोल ऑपरेशन को भी विस्टैंड नहीं कर पाए और ऐसे भी होश हो गया, तुम सभी को वेट करना पड़ेगा और उसका इंतजार करना पड़ेगा वो जब तक वेकअप नहीं होता है। प्रिंसेस बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ 9000 हाई ग्रेड जेन एनर्जी स्टोन्स है, पर अब तुमने डाइव वॉर एम्परर के साथ गलत किया है, और तुमने ये पहले भी किया था, तुम्हें फ्यूचर में पक्का ट्रबल देगा वो अगर ऐसा करेगा वो, तुम्हें अपने फादर को बोलूंगा कि वो तुम्हारी हेल्प करे। लुजंग बोलता है ठीक है, मैं सिर्फ एक लेसन ही सिखा रहा था इसे, वो वैसा कुछ भी नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं है, चलो हम वापस माइनिंग के लिए चलते हैं। वो दोबारा एंटर कर जाते हैं। लुजंग ऐसे माइन कर रहा होता है, लुजंग बोलते है कि ये और ज्यादा टफ होता जा रहा है, अब मैं चलो ट्राई करता हूँ ब्लैक स्टार पिकैक्स को ऑब्टेन करने के लिए, क्योंकि मैंने सेलेस्टियल लेसंस को तो अब्सॉर्ब कर लिया है। फिर लुजंग फिर से 35th फ्लोर पे जाता है और उस गोल्डन लीफ के पास पहुंच जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये क्या है, ल्यूटानजिंग ब्लैक स्टार को ऑब्टेन करने की कोशिश कर रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो कैपेबल है इतना करने का। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये तो इम्पॉसिबल, अगर ये इतना ज्यादा सिंपल होता तो डिवाइन सी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट भी कर चुके होते ऐसा। लुजंग उसके सामने खड़ा होता है, सोच रहा होता है मेरे को ट्राई तो करना पड़ेगा, और देखता हूँ मैं कि कितने मेरे को ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करना पड़ेगा। लुजंग फिर ऐसे 1, 200,000 और फिर 2000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है, फिर और ज्यादा वो इंक्रीज करता है जा रहा होता है 3000। वो सोचता है कि मैं और ज्यादा कर सकता हूँ यूज, फिर 4000। लुजंग वेल बिल्कुल ही हल्की तरह हो गया होता है मस्कुलर, और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है गोल्डन लीफ को, पर गोल्डन लीफ को कुछ नहीं होता, वो टूटता नहीं जरा भी। लुजंग की बॉडी में क्रैक्स पड़ रहे होते हैं, वेल जॉइंट्स थोड़े से अलग तरह से मूव कर रहे होते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं कि सीरियसली मेरी बॉडी लिमिट पे हो गई है, कि मैं 5000 को यूज करूं, मैं शायद
मार पाऊंगा उतने को। लुजंग भी 5000 ड्रैगन स्केल्स की पावर को यूज करता है और उसे बड़ी जोर से पंच मारता है। लुजंग की जो सारी वेन्स होती है और बॉडी होती है वो फट रही होती है। लुजंग पंच मारने लगा होता है। लुजंग जैसे उसे पंच मारता है गोल्डन लीफ को, वो पीछे की तरफ बाउंस हो जाता है। लुजंग वैसे भी होश हो जाता है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है ल्यू टैनजिंग और यूइंग भी वहाँ पे आ जाते हैं। प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि ल्यू टैनजिंग ब्लैक स्टार पिकैक्स सिर्फ एक पिकैक्स ही है, ये ऐसे तो अल्टीमेट डिवाइन वेसल है पर तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। यूइंग बोलती है हाँ तुम ऐसे अपने आप को हर्ट नहीं कर सकते हो। लुजंग बोलता है कि पिकैक्स को ऑब्टेन करना एक चीज है पर मेरे को ऐसा लगा कि जो मैं पावर गेन कर पाऊंगा वो मेरी करंट बॉडी को मैच नहीं करती है, मतलब ये ज्यादा ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज कर सकता पर इसकी बॉडी जो है वो विदस्टैंड नहीं कर पा रही है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है सच्ची मेरे को लगता है कि तुम अभी बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग हो, ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि तुमने कहां से अपनी पावर को ऑब्टेन किया, पर अगर तुमने लिटिल मॉन्स्टर्स की एबिलिटी को ऑब्टेन की है तो तुम उस पावर को अपने अंदर की छुपा के रख रहे हो और अपनी बॉडी को क्यों ऐसे हर्ट होने दे रहे हो। लुजंग को आइडिया मिलता है और बोलता है शुक्रिया मुझे लग गया पता मेरे को क्या करना है, मैं एक और ट्राई मारता हूँ। प्रिंस ऑफ यान और यूइंग हैरान होती है। लुजंग फिर उसके सामने दोबारा चल जाता है और अपनी सांस बाहर छोड़ता है। फिर वो 1000, 3000, 4000 ड्रैगन स्किल्स की पावर को यूज करता है और सोच रहा होता है कि मैं ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूँ इसे लीफ के ऊपर। वेल जो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा होता है उसकी बॉडी के ऊपर वो लीफ के ऊपर भेजता है। ड्रैगन स्किल्स की पावर की वजह से जो ब्रांच होती है ट्री की वो भी कांपने लग पड़ती है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था देखो ध्यान से ये जो गोल्डन लीफ है ये ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर बड़ा ज्यादा इमेंस प्रेशर गिर रहा है और ये ऐसे लग रहा है कि सिंक हो रहा है। दूसरा बोलता है कि ये चल क्या रहा है। लुजंग ऐसे ही 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 ड्रैगन स्किल्स की जो इम्पैक्ट होता है उसे लीफ के ऊपर गिराता है। लुजंग सोच रहा होता है मैंने 14,000 ड्रैगन स्किल्स को लाइट अप कर लिया है, मैं 10,000 को लीफ के ऊपर डालता हूँ और रिमेनिंग जो 4,000 है उन्हें अपनी बॉडी के ऊपर लगाता हूँ, ये इनफ होगा इस टाइम। फिर लुजंग उसे बड़ी जोर से पंच मारने के लिए जा रहा होता है। लुजंग जैसे पंच मारता है जो गोल्डन लीफ है वो उसमें क्रैक पड़ जाते हैं। एक प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि इसने क्रैक्स डाल दिए गोल्डन लीफ में। यूइंग हैरान होती है बोलती है कैसे पॉसिबल है। लुजंग बोलता है ये वर्क कर रहा है एक और टाइम, इस टाइम में मैं पावर ऑफ स्टार को भी यूज करूंगा। फिर लुजंग स्टार क्वेक को यूज करता है और बड़ी जोर से पंच मारता है। उसके जो पंच से बहुत बड़ा इम्पैक्ट मतलब एक्सप्लोजन टाइप होती है और जो ब्लैक स्टार होती है वो बाहर निकल आती है, वो नीचे गिर रही होती है। लुजंग भी साथ साथ में नीचे जा रहा होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है इसने ब्लैक स्टार पिकैक्स को भी ऑब्टेन कर लिया, ये ऐसी चीज है जो कि डिवाइन सी रियलम के मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है क्या ये इंसान भी है कि नहीं। लुजंग ने वो पिकैक्स अपने हाथ में पकड़ी होती है। मार्शल आर्टिस्ट आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना कि किसी ने गोल्डन लीफ को तोड़ दिया और ब्लैक पिकैक्स को भी ऑब्टेन कर लिया तो इनक्रेडिबल है। दूसरा बोलता है कि वो ल्यू टैनजिंग था और खो भी कौन सकता है। लुजंग ने वो अपने हाथ में पकड़ी होती है और वो सोच रहा होता है ये तो जरा भी डिफरेंट फील नहीं हो रही है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सच्ची में अल्टीमेट डिवाइन वेसल है। लुजंग उसे नीचे मारता धरती में। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है ये तो इतनी ज्यादा स्पेशल नहीं लग रही है, क्या इसने सच्ची में अपनी एनर्जी को वेस्ट किया। दूसरा बोल रहा होता है कि मेरे को लगता है ये सिर्फ रॉयल ब्लड ही यूज कर सकते हैं, ल्यू टैनजिंग तो सच्ची में बड़ा अनलकी है। लुजंग सोच रहा होता है ये चल क्या रहा है। अजर ड्रैगन बोलता है कि ब्लैक स्टार पिकैक्स, वो हंस रहा होता है, बोलता है अल्टीमेट डिवाइन वेसल मेरे को लगा ही था कि ये इस ट्री के अंदर छुपी हुई है पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इसे ऑब्टेन कर पाओगे। लुजंग बोलता है अजर ड्रैगन तुम जाग गए हो, मैंने सोचा था कि तुम सोने की सोच रहे हो थोड़ी देर के लिए। अजर ड्रैगन बोलता है हाँ ये मैं इसलिए जागा क्योंकि मैंने अल्टीमेट डिवाइन वेसल को फील किया। अजर ड्रैगन बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इसे यूज नहीं कर पा रहे हो, वो हंसता है और बोलता है स्ट्रेंज नहीं है क्योंकि तुम ऐसे ही अल्टीमेट डिवाइन वेसल को अपने मन के हिसाब से नहीं कंट्रोल कर सकते और चला सकते हो, ये अल्टीमेट डिवाइन वेसल है ड्रैगन क्लैन की, मेरे को पता है कि तुम इसे कैसे यूज कर सकते हो और अपना और इसका ओनर बन सकते हो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हाँ और याद रखना कि जो आउटसाइड वर्ल्ड उसे ब्लॉक कर दो, किसी को देखने मत देना, तुम्हें सिर्फ अपना ब्लड गिराना है 10-star गोल्ड लाइन के ऊपर इसे एक्टिवेट करने के लिए और फिर तुम्हें 3 गोल्ड लाइंस को बनाना है ऑपोजिट में जैसे कि 3 यहाँ पे हैं। लुजंग बोलता क्या ऑपोजिट 3 गोल्ड लाइन, अब तुम मुझे मत बोलना कि मुझे भी 10-star गोल्ड लाइन को बनाना पड़ेगा, मैं कैसे बनाऊंगा। अजर ड्रैगन बोलता तुम्हें पता लग जाएगा जब तुम ट्राई करोगे। लुजंग पीछे मोड़ता है और बड़ा सा हैरान होता है, वो बोलता क्या ये 3 तो 1-star गोल्ड लाइंस हैं, ये तो मेडिटेशन गोल्ड लाइंस हैं जो कि मैं ट्रेनिंग में यूज करता था। अजर ड्रैगन बोलता हाँ इस मेथड को यूज करके हम आउटसाइडर को निकाल देते हैं जो कि मतलब जिन्होंने कभी नहीं देखी होती गोल्ड लाइंस जेन्युइन ड्रैगन्स की, और उनको भी हम यूज करने दे सकते हैं मार्शल आर्टिस्ट को जिनको मतलब गोल्ड लाइंस इतने ज्यादा अच्छी तरह से बनाने नहीं आती हैं। ये 1-star गोल्ड लाइंस इसीलिए ताकि मतलब जिनको नहीं आता है वो कर सके यूज इसको। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ चलो मैं एक्टिवेट करता हूँ। लुजंग 3 गोल्ड लाइंस को बना लेता है पेपर्स में और बोलता है ठीक है, फिर वो कनेक्ट कर देता है उनको पिकैक्स के साथ। लुजंग उसे ऊपर की तरफ उठाता है और बोलते है तो बड़ा ज्यादा प्रीटी है, अब मैं क्या ब्लड गिरा सकता हूँ इसके ऊपर। अजर ड्रैगन बोलता है ये अल्टीमेट डिवाइन वेसल है, इसकी अपनी विल होती है ओनर को सिलेक्ट करने के लिए, कोई भी ऐसे रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता इसके ओनर के तरह से, पर तुम ट्राई कर सकते हो। लुजंग बोलता है मैं समझता हूँ और वो अपने ब्लड को गिराता है उस पिकैक्स के ऊपर। लुजंग सोच रहा था क्या ये काम करेगा, जो लुजंग का ब्लड है वो पिकैक्स अब्सॉर्ब कर लेती है। लुजंग बोलते है तो
ग्रेट एक काम कर रहा है, वेल वो ग्लो कर रही होती है। अजर ड्रैगन बोलता है ये अल्टीमेट डिवाइन वेसल है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं जिसे डिग नहीं कर सकती है। अगर तुम इसे अच्छी तरह से यूज करोगे तो तुम ओर्स और जेम्स को भी ऑब्टेन कर पाओगे इस वर्ल्ड में। रिजंग सोच रहा होता है कि बेसिकली ये हाई ग्रेड पिकैक्स ही है, पर मैं ये होप कर रहा था कि मैं इसे वेपन की तरह यूज कर सकूं। तब जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो पिरामिड की तरफ आ रहे होते हैं। मार्शल आर्टिस्ट बोल रहे होते कि कोई यहाँ पे है, ये तो रूलर है फोर गॉड कंट्रीज के और डिवाइन सी रियल्म के बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी हैं। डायो एम्परर देखता है क्योंकि जो क्राउन प्रिंस होता है उसे एक मार्शल आर्टिस्ट लेके आ रहा होता है। डायो एम्परर बोलता है कि क्या हुआ मेरे सन को, मैं इसकी सोल को ऐसे क्यों सेंस कर रहा हूँ, इसकी सोल इतनी ज्यादा वीक कैसे हो गई है, किसने मेरे सन की सोल को हर्ट किया। रिजंग सोच रहे होते हैं तो डाइव वॉर एम्परर है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है ये ल्यू टैनजिंग है, इसने क्राउन प्रिंस को फोर्स किया स्टेट में अपनी सोल ऑपरेशन को यूज करके। डाइव वॉर एम्परर क्राउन प्रिंस की बॉडी से उस ट्रेजर को निकालता और वो देखता है कि वो टूट चुका है। डाइव वॉर एम्परर बोलता है ल्यू जेंग मेरे सामने नीचे झुक जाओ और तैयार रहो मरने के लिए। ल्यू जेंग बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे सामने क्यों झुकूं अगर मैं मरने वाला हूं। तो प्रिंसेस वहां पे भागती हुई आ रही होती है और बोल रही होती है कि हमें जल्दी से वहां पे पहुंचना पड़ेगा। डाइव वॉर एम्परर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ल्यू जेंग को मारने वाला है, हम जल्दी से फादर को बोलते हैं। सच कुचैन बोल रहा था हाँ फादर वहीं पे हैं। प्रिंसेस भागते हुए आ रही होती है और बोलती है फादर हमारी बात सुनो, ये ऐसा नहीं जैसे दिख रहा है, ल्यू टैनजिंग की इसमें कोई भी गलती नहीं है। हुचैन बोलता है यस फादर। हुचैन बोलता है हाँ फादर। डाइव वॉर एम्परर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, बच्चों को यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, तुम कहीं और जाके खेलो। स्काईविंड एम्परर बोलता है कि यूनर और चैंग क्या हुआ। प्रिंसेस बोलते है कि इसने लूजी को इसलिए इंजर किया क्योंकि ये हमारी हेल्प कर रहा था मेरी और हुचैन की। तुमने सिचुएशन के बारे में पूछा ही नहीं कि लूजी ने क्या किया हुआ है डाइव वॉर एम्परर, और तुम ऐसे ल्यू टैनजिंग के ऊपर ब्लेम्स लगा रहे हो, ये किस तरह का लॉजिक हुआ। सो गाइस चैप्टर नंबर 207 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करनी भी आई, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।